वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में मैं निर्मला आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ आंवले के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और मार्केट में बहुत आंवले भी आ गए हैं, तो हमें इस मौसम में आंवलों का बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी चाहिए, खानी चाहिए, खिलानी चाहिए, क्योंकि आंवले होते हैं सेहत से भरपूर और इसमें बहुत सारे विटामिन्स और आयरन पाए जाते हैं, जिससे हम सेहतमंद रहते हैं। और गर्मियों के दिन में अगर हम एक आंवला सुबह नाश्ते में खा लें तो हमारे पूरे दिन के को की गर्मी को सहन करने की हमें शक्ति मिल जाती है। आंवले के मुरब्बे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, लेकिन बहुत ही सेहतमंद और स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए आंवले के मुरब्बे की रेसिपी शुरू करते हैं। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमने ये आधा किलो आंवला लिया है। ये आंवला हमें इस तरह से बड़े बड़े आंवले लेने हैं और ये आंवले इस तरह से होने चाहिए, ये बिल्कुल जैसे पीला, थोड़ा पीलापन पे हो। और बड़े बड़े आंवले लेने चाहिए क्योंकि बड़े आंवले कसैले कम होते हैं, इनसे मुरब्बा बनाने पे मुरब्बा ज़्यादा कसैला नहीं लगता, वो स्वाद उसका अच्छा होता है। और इसको हमें रात भर हमने आंवले को पानी में भिंगा के रखा था और सुबह फिर इसको पानी से निकाल कर सुखा लिया और अब इसे एक फॉर्क की हेल्प से इसे अच्छे से पिक कर ले रहे हैं। पिक करना है हमें बिल्कुल अंदर गहराई तक, ताकि इसका चाशनी इसमें अच्छे से घुस जा सके। हमने गैस पे एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया है और इस उबाल आने लगा है। जब उबाल आ जाए तो इसमें हमें सारे आंवले डाल देने हैं और फिर एक उबाल और आ जाए तो हम गैस धीमी करके इसे 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। और फिर आंवला डालने के बाद एक उबाल और आ गया है, इसे हम अब गैस धीमा कर देंगे। गैस धीमा करके 5 मिनट और ढक्कन लगा के पकाएंगे। 6-7 मिनट तक हमने इसे पका लिया है स्लो फ्लेम पे और अब हम इसका ढक्कन हटा के देखते हैं। हमारे आंवले का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल पक चुका है और साथ में इसमें ये कांटा आप डालेंगे तो आराम से इजली इसमें पिक हो जाता है और ये इसकी कलियां भी फट के अलग होने लगती हैं। तो अब हमें इसे थोड़ी देर आधे घंटे तक के लिए इसे फिर से ढक के हम ऐसे ही ठंडा होने देंगे। गैस बंद करने के बाद हमने आधे घंटे तक आंवले को ढक्कन से बंद करके रखा था और अब स्ट्रेनर की मदद से इसे इसके पानी को ड्रेन कर लिया है और इसे एक कांच के बाउल में हम रखते हैं। और अब इसमें हम आधा किलो आंवला लिए हैं तो आधा किलो चीनी भी डालेंगे। और इसको हम 5-6 घंटे या फिर पूरी रात के लिए किसी ढक्कन से ढक कर रख देते हैं। इसमें आधे एक घंटे बाद ही आप देखेंगे कि आंवला का जूस बाहर निकल के चीनी के साथ मेल्ट होने लगता है, लेकिन हम इसे पूरी रात रखेंगे और फिर जो आंवले से
के साथ चीनी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, उसी से हम फिर गैस पे रख के इसकी चाशनी पकाएंगे, कोई अलग से पानी नहीं डालेंगे। अब इसे हम 6-7 घंटे के लिए रख देते हैं। मैंने आंवले में चीनी डाल के 5 घंटे के लिए रख दिया था और अब आप देख सकते हैं आंवले ने अपना सारा जूस रिलीज कर दिया है और चीनी सब आंवले के जूस के साथ एकदम मेल्ट हो गया है। तो अब हम गैस पे एक स्टील का कढ़ाई या भगोना कुछ भी रख देते हैं। ने गैस पे स्टील का भगोना पतीला रख के उसमें ये आंवला और उसका जूस समेत डाल दिया है। इस केवल आंवले का जूस ही है, बस मैंने इसे पानी बिल्कुल नहीं डाला है और मैं अब इसी के साथ इसे पकाऊंगी जब तक कि ये बिल्कुल शहद की तरह चिपचिपी चाशनी ना बन जाए। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक ज़रूरी बात ये है कि हमें स्टील के बर्तन में पका सकते हैं लेकिन लोहे या एल्युमिनियम के बर्तन में हम नहीं पका सकते, नहीं तो हमारा आंवला खराब हो सकता है। और स्टील के बर्तन में पका लेते हैं तो इसको हम ज़्यादा देर तक इस बर्तन में छोड़ नहीं सकते। इसे हम कांच के बर्तन में, कांच के जार में भर के रखेंगे तो ये हमारा आंवले का मुरब्बा साल भर तक रख के खाया जा सकता है। अचार और मुरब्बे के लिए कांच का जार ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, ट्रेडिशनल ढंग से जो मुरब्बा बनाया जाता है आंवले का, तो उसे 12 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए फिटकरी या चूने के पानी में डुबा के रखा जाता है ताकि उसका कसैलापन निकल जाए। लेकिन यहाँ हमने केवल आंवले को रात भर के लिए पानी में भिंगा के रखा, उसमें कोई भी फिटकरी या चूना नहीं डाला था। और आप यकीन कीजिए, मैंने इस तरह से मुरब्बा बना के कई बार देखा है, ये इसका स्वाद बिल्कुल ट्रेडिशनल ढंग से बनाए हुए मुरब्बे की जैसा ही होता है और उतना ही स्वादिष्ट होता है, इसमें आपको कोई गड़बड़ी नहीं मिलेगी। मैंने यहाँ आंवले को फिटकरी या चूने के पानी में इसलिए नहीं भिंगाया क्योंकि उससे आंवले का ज़्यादातर न्यूट्रिशन निकल जाता है। तो इस तरीके से हमने बनाया है जिससे हमारा ये चाशनी भी जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, इसलिए कम समय में हमारा झटपट हमारा आंवले का मुरब्बा बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। तो अब इसे ढक 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। हमारे आंवले की मुरब्बे की चाशनी अब गाढ़ी हो चली है और इसमें बहुत ज़्यादा झाग भी बनने लगा है। इसकी चाशनी हम अब चेक करते हैं कि चाशनी कैसी बनी है। इसके लिए हम एक प्लेट पे चाशनी डालते हैं और हाथ से छू के देखते हैं, ये बिल्कुल शहद की तरह चिपचिपा हो गया है। और अब हमें इससे ज़्यादा चाशनी को नहीं पकाना है, नहीं तो ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो आंवले के अंदर आसानी से जा नहीं पाएगी। और चाशनी बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में रखनी है। गैस फ्लेम हम बंद कर देते हैं इस समय और अब आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटी चौथाई चम्मच काला नमक मिला सकते हैं, पर मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अगर घर में कोई व्रत उपवास रहे तो ये आंवला का मुरब्बा खा सकता है। मैं यहाँ केवल ये काली मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च और इलायची का पाउडर मिला रही हूँ। आप इसमें काला नमक मिलाएंगे तो ये और ज़्यादा चटपटी और स्वादिष्ट लगेगी। और अब हम
आंवले का मुरब्बा तैयार है, लेकिन इसे अभी हम 3 दिन तक ढक के रखेंगे। 3 दिन क्योंकि आंवले का मुरब्बा बनने के 3-4 दिन के बाद थोड़ा जूस रिलीज करता है और चाशनी फिर से पतली हो जाती है। तो अगर हम फिर 3 दिन बाद चेक करेंगे, अगर जूस हमारी चाशनी पतली हुई तो हम फिर से इसे किसी बर्तन में डाल के पका देते हैं देंगे, और अगर गाढ़ी हुई तो थोड़ा 1-2 चम्मच पानी मिला देंगे। तो अब हम इसे इस भगोने से एक कांच के बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। पांच मिनट इसे ढक के पकाया, थोड़ा ऐसे खुला ही रखा था ताकि थोड़ा स्टीम निकलता रहे, नहीं तो फन रहा था। और अब हम इसे खोल के स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। चेक करने जा रहे हैं, इसका चाशनी बिल्कुल देखते हैं कैसा है। शहद जैसा तो लग रहा है, ठीक लग रहा है। 1 चम्मच से देखते हैं, सही है, हमारी कंसिस्टेंसी इसकी सही है, शहद जैसी चिपचिपी लग रही है। अगर तो हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है तो हम इसके संग कुछ नहीं करेंगे। अगर ये ज़्यादा ठीक होती तो हम इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी गर्म करके इसमें ऐड कर देते, और अगर ज़्यादा अगर पतली होती थोड़ी तो हम इसे फिर से एक भगोने में या पैन में डाल के इसे फिर से पका लेते और चाशनी को थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि हमने कितनी ही आसानी से और कितनी जल्दी झटपट आंवले के मुरब्बे बना के तैयार कर लिए हैं, और ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं। कितना अच्छा से इसमें एकदम रस भी पहुंच चुका है, अंदर जूसी दिख रहा है। अगर आप मेरे जैसी रेसिपी को ही फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे ही आसानी से आंवले के मुरब्बे बना के तैयार कर लेंगे। कुछ ध्यान रखने की बात है, छोटी छोटी उसे ध्यान में रखना है, जैसे कि हमें आंवले थोड़े से पके लेने हैं। आंवले के मुरब्बे बनाने के लिए दिसंबर का महीना बिल्कुल सही है, दिसंबर के महीने में अच्छे आंवले मिलते हैं। और आंवले को रात भर पानी में भिंगा के रखा, फिर साफ करके इसे एक फोर्क से पिक किया अच्छे से एकदम गहराई तक, और फिर इसे पानी में बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसमें आसानी से चीनी मिला लिया, जिससे चीनी और आंवले के पानी से ही इसका हम चाशनी बना लिए। इसमें बाहर से पानी बिल्कुल नहीं ऐड है, और चाशनी बनाते समय हमें बिल्कुल शहद जैसी चिपचिपी चाशनी बनानी है, न बहुत ज़्यादा गाढ़ी न बहुत ज़्यादा पतली, क्योंकि अगर अधिक पतली चाशनी होगी तो हमारा मुरब्बा ख़राब हो जाएगा, और गाढ़ी होगी तो हमारे आंवले के अंदर वो पहुंच नहीं पाएगा। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने आंवले के मुरब्बे तैयार कीजिएगा, और मुझे अपने अनुभव और सुझाव बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मुझे काम आगे करते रहने की और ज़्यादा उत्साह और एनर्जी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही यूज़फुल रेसिपी में के साथ एक नए वीडियो में। तब तक बाय बाय दोस्तों।